नमस्कार मित्रों, मनोरंजन के क्षेत्र में विशेष रूप से सिनेमा और वेब सीरीज का जो एक समय चल रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न फिल्में सीधे हमारे घर तक, हमारे टेलीविज़न तक विभिन्न चैनलों के माध्यम से आ रही हैं, आप सभी अब उसका आनंद लेने के अभ्यस्त हो गए हैं। एक एक करके बहुत सारी सीरीज़ और फिल्में आपको देखने को मिल रही हैं। हाल ही में आश्रम कि आपने लगभग 9 भाग पहले सीरीज में, पहले सेशन में जिस तरह से देखे हैं, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। और इसके निर्माता, इसके निर्देशक मशहूर फिल्मकार प्रकाश झा, इस पहले प्रयत्न को लेकर जो वेब सीरीज के रूप में उन्होंने किया, इस कोरोना काल में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसको लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को लेकर जिस प्रकार से एक भव्य श्रृंखला का निर्माण किया, यह लगभग उनकी मुझे राजनीति फिल्म की याद दिलाता है, जिसकी शूटिंग भोपाल में ही हुई थी और उन्होंने बहुत मनोयोग से इस फिल्म को बनाया था। उसमें अधिक से अधिक माँ, बड़ी जनसंख्या, बड़े कलाकार, खूब सारे कलाकार और बड़ी जनसंख्या को लेकर जिस तरह से उन्होंने दृश्यों को शूट किया था, भव्यता के साथ प्रस्तुत किया था, आश्रम उसी भव्यता की याद दिलाता है। बीच में प्रकाश झा आरक्षण, सत्याग्रह और कुछ अन्य फिल्मों के माध्यम से लगातार सीरीज करते रहे, लेकिन इधर एक अंतराल बाद उनका सक्रिय होना सुखद है और चकित करता है। आश्रम से पहले उन्होंने परीक्षा राम की एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, जो बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत मानवीय और संवेदनशील है, जो हृदय को छू जाती है। एक पिता के संघर्ष की कहानी है, जो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का स्वप्न देखता है और किस तरह वह बुरे कामों से लिप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास फीस चुकाने के पैसे नहीं होते। ऐसे में बेटा, परिवार, समाज उसको अपराधी समझे, उसको गुनहगार समझे या उसको बख्श दे, उसकी कठिनाइयों में, उसकी मुसीबतों में जो कि उसने अपने बेटे के लिए उठाई है, समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रकाश झा ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से बनाया, प्रेस किया और खूब सारी सराहना पाई। इसकी प्रतिक्रिया आते आते वे आश्रम में उसको प्रदर्शित करने में व्यस्त हो गए और आश्रम के लगातार 9 भाग देखते हुए हमारी आंखें खुल जाती हैं। हमारे ही देश में साधु संतों द्वारा, कुछ विवादास्पद बाबाओं द्वारा जिस तरह के कृत्य और आचरण किए गए और कानून ने, पुलिस ने, व्यवस्था ने, सरकार ने उनको दंडित किया, कारागृह में डाला, उसी से प्रेरित होकर यह धारावाहिक बनाने का ख्याल प्रकाश झा को आया। और हालांकि इसकी तैयारी उनकी बहुत दिनों से थी, जब उन्होंने राजनीति के बाद सत्याग्रह बनाया, आरक्षण बनाया, तब वो आश्रम नाम से एक फिल्म बनाना चाहते थे, जो कालांतर में एक सीरीज में तब्दील हो गई और इसमें उनको बहुत विस्तार से काम करने का अवसर भी मिल गया। उन्होंने इसमें लंबे समय से सिनेमा से दूर रहे बॉबी देओल को मुख्य भूमिका में चुना और अनेक प्रतिष्ठित कलाकारों को जो सिनेमा और रंगमंच से जुड़े थे, उन सभी को काम करने का अवसर दिया, अच्छी अच्छी भूमिकाएँ दी और एक बहुत सुंदर वातावरण में अयोध्या में सेट लगाकर और कुछ पुश्तैनी इमारतों की, जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं, पुरानी हैं, राजमहल की तरह हैं, उनमें उन्होंने सेट लगाकर उस पूरे धारावाहिक का पिक्चराइजेशन किया, फिल्माया और जब वो दर्शकों के बीच प्रदर्शित हुआ तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। अब इसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये सेंसर नहीं हुआ था। अब इन चैनलों में जो चीज़ें, जो फिल्में, जो सीरीज प्रदर्शित हो रही, उनमें वाचिक उदारता या स्वच्छंदता कह लीजिए, बातचीत में, दृश्यों में, अंतरंगताओं में, जो सारी चीज़ें जो सेंसर में कट हो जाती हैं या उसके आधार पर उसकी श्रेणी निर्धारित होती है, इन सीरीज में उस तरह की स्वतंत्रता है और कलाकार कुछ भी अपने आवेग के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बर्ताव करता है, दृश्यों की मांग के अनुसार उसको व्यवहार करना पड़ता है, निर्देशक की चाहना के अनुसार उसको, उस कैरेक्टर को प्ले करना होता है। तो बहुत सारे अंतरंग दृश्यों के साथ, बहुत सारे शब्दों, अपशब्दों के साथ यह धारावाहिक बनाया है, लेकिन इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से भोली भाली जनता को, या अगर जनता समझदार भी है तो उसको किस तरह से भ्रम में डालकर, उस तरह उसे किस तरह विश्वास में लेकर, किस तरह उसकी छोटी मोटी कठिनाइयों का निवारण करके स्वार्थ लोलुप और मतलब परस्त और दीर्घ परिकल्पना के आधार पर अपना एक छत्र राज स्थापित करने वाले संत बाबा बुरे काम करते हैं। प्रकाश झा,
बहुत हिम्मत के साथ, बहुत साहस के साथ इस सीरीज को बनाए हैं। आगे भी वो दूसरे सेशन की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले भाग को जिस तरह से सफलता और दर्शकों का समर्थन भी लाए वो उनके लिए उत्साहवर्धक है, उसी ने उनको आगे और तेज़ी से और बेहतरी से काम करने की प्रेरणा दी है। इस धारावाहिक में डिम्पी मिश्रा, चंदन राय सान्याल, दर्शन कुमार और भी बहुत सारे कलाकार जिन्होंने अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत गहराई से अंजाम दिया है, निभाया है, दृश्यों को लेकर, सिनेमेटोग्राफी को लेकर, आर्ट डायरेक्शन को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह कि जो बहुत सारी जनता जनसंख्या को उपस्थित करके दृश्यों को नियंत्रित करके एक एक शॉट लेना, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रकाश झा ने इस पूरे कार्य को उसी महत्ता के साथ किया जिसके लिए उनको दामोद में लोगों ने जाना था, जिसके लिए उनको मृत्युदंड फिल्म में लोगों ने जाना था। प्रकाश झा आश्रम के इस पहले भाग से उत्साहित हैं और आगे दूसरे भाग को प्रस्तुत करने की तैयारी में, जो इस वर्ष के अंत तक शायद प्रदर्शित हो भी जाए। और स्वयं बॉबी देओल इस सीरीज में अपनी भूमिका से, अपनी भूमिका को मिल रहे प्रतिसाद से अचंभित हैं, खुश हैं, और उनका दोबारा एक बार फॉर्म में लौटना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वो लगातार कामों से जुड़ेंगे। चंदन राय सन्याल एक बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं। उनको हमने कांची फिल्म में, सुभाष घई निर्देशित कांची फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में देखा था, बाद में उन्होंने अन्य भी कई फिल्में की। चंदन राय सान्याल इस सीरीज में बॉबी देओल के साझीदार और सारे बुरे कर्मों के राजदार। वो एक जगह कहते हैं कि इस पूरे साम्राज्य को खड़ा करने में मैंने बहुत मेहनत की। किस तरह दो बुरे आदमी मिलकर एक पूरा मायाजाल खड़ा करते हैं, किस तरह पूरी व्यवस्था को, पूरी सत्ता को, पूरी दुनिया को अपने भ्रम जाल में फांसते हैं, कैसे अपने बुरे कर्म, अपने अपराधों, अपने गुनाहों का एक सिलसिला जारी रखते हैं और किस तरह अंत में पकड़े भी जाते हैं। एक अतिरिक्त व्यवस्था में विद्रोह, सामान्य विद्रोह, एक आम आदमी का विद्रोह, एक स्त्री का विद्रोह किस तरह इस पूरे साम्राज्य के जहाज को डुबोता है, वह इस आश्रम में देखने योग्य होगा। धन्यवाद।